जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जिंदगी की भागदौड़ में कुछ पल ऐसे थे जो खाली रह गए, जिन्हें जीना चाहिए था। यही खाली पल बाद में बहुत सालते हैं। कुछ इसी तरह का संदेश देता नजर आया जवाहर कला केंद्र में प्रस्तुत नाटक खांचे। जवाहर कला केंद्र की पाक्षिक नाट्य योजना के अंतर्गत मंगलवार को अरु स्वाति व्यास के निर्देशन में नाटक का मंचन किया गया। अभिनय गुरुकुल सांस्कृतिक शैक्षणिक सोसाइटी की ओर से प्रस्तुत इस नाटक की पूरी कहानी मुख्य किरदार विनायक आचार्य के इर्द गिर्द बुनी गई है। प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा कानोडिया महिला पीजी महिला महाविद्यालय के सभागार में प्रेमचंद जयंती का आयोजन किया गया। दो सत्रों में आयोजित कार्यक्रम के पहले सेशन में प्रेमचंद के कथेतर साहित्य पर चर्चा हुई। वरिष्ठ डॉक्टर हेतु भारद्वाज ने प्रेमचंद के भाषणों, लेखों, संपादकीयों के साथ ही उनके महत्वपूर्ण निबंधों व उनके लिखे पत्रों पर बात की। उनका कहना था कि प्रेमचंद का कथेतर साहित्य भी उनके कथा साहित्य की तरह ही क्रांतिकारी व बेहद महत्वपूर्ण है। उनका ये लेखन समाज को नई दृष्टि देने वाला है। उन्होंने प्रेमचंद के साहित्य के महत्व को बताते हुए कहा कि वहाँ आपको गरीबी, गुलामी, महिलाओं की दुर्दशा और किसानों की चिंता दिखाई देती है। सच्ची मानवता यही है कि हम अपने जीवन में प्रेमचंद की कम से कम एक रचना तो अवश्य पढ़ें। पढ़े जाने से ही हमारे जीवन में बदलाव आएगा। प्रेमचंद का साहित्य कृषक, मजदूर, वंचित वर्ग के श्रम के पसीने की खुशबू से सराबोर है। परकोटा गणेश मंदिर चांदपोल में श्रावण मास एकादशी के मौके पर भव्य फूल बंगला लहरिया झांकी सजाई गई। पूरे मंदिर परिसर को लहरिया थीम पर सजाया गया। महंत राहुल शर्मा की मौजूदगी में प्रातः प्रथम पूज्य का गंगाजल, विभिन्न तीर्थ के जल एवं दूध व पंचामृत अभिषेक कर नवीन चोला धारण करवाया। युवाचार्य अमित शर्मा ने बताया कि भगवान की ऋतु पुष्पों की आकर्षक श्रृंगार कर लहरिया झांकी सजाई भगवान को व्यंजनों का भोग लगाया। सुगंधित फूलों से गणपति का विशेष श्रृंगार किया। गणपति अथवशीर्ष एवं अष्टोत्तर नाम वाली स्रोत पाठ के साथ भक्तों ने गणपति की पूजा कर मोदक अर्पित किए। झांकी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। विधानसभा में लोकायुक्त के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जो विषय नेता प्रतिपक्ष ने रखा है असली में विषय वही है। इस प्रतिवेदन पर केवल चर्चा थी कि इसमें क्या खामियां हो सकती हैं, उसी पर चर्चा करनी थी, लेकिन माननीय कई सदस्यों ने इस प्रतिवेदन के अलावा भी कई बातें की। प्रतिवेदनों पर चर्चा से हमें भी सीखने को मिलता है और जनता को भी पता चलता है कि आखिर कौन सी संस्था की क्या उपलब्धि रही है। लोकायुक्त के प्रतिवेदन में जिन बातों का उल्लेख किया गया है, चर्चा के दौरान विपक्ष के जिन सदस्य ने जितनी बातें की है वह सब बातें उन्हें बताना चाहूंगा कि वह उनकी सरकार के समय की है, उसे पता चलता है कि उसने कितनी लोकायुक्त की निर्देशों की पालना की है। ये संस्था एक भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में काम करती है। इसकी सिफारिश को मानना सरकारों के हाथ में होता है। लोकायुक्त के पास किसी को सजा देने के अधिकार नहीं है। वह अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं, फिर राज्यपाल राज्य सरकार को भेजता है। जोगाराम ने कहा कि लोकायुक्त में शिकायत बढ़ने का मतलब भ्रष्टाचार नहीं है। शिकायतें कई तरह की होती है। हमारे राज्य में किसी भी मंत्री और विधायक के खिलाफ लोकायुक्त में कोई शिकायत हुई, लेकिन कांग्रेस के राज्य में मंत्री और विधायकों के खिलाफ लोकायुक्त में कई शिकायतें हुई है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार, साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है, खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है, हर रंग में ढला, कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।